Our next comic believes anything people say about her. So please welcome the funniest, my favorite, and the very talented Gurleen Pannu. Hi guys. शर्म नहीं आती तुम्हें रोस्ट पे हंस रहे हो यार. रोस्ट ऐसा जो मुझे नेचुरली नहीं आता. मैं हूं डिप्लोमेटिक इंसान. आपने वो दरवाजा देखा जिसपे पुश और पुल लिखा होता है लेकिन जिधर को धक्का मारो उधर को खुलता है. और मुझे कुत्ता है ना घर का ना घाट का मेरा ही है. स्टार लोग हैं यार. मैं कैसे कह दूं नीति को वो इसलिए इतनी फिट है क्योंकि उसने अपने करियर का बोझ उठा रखा है. कैसे जबकि इतने स्टीरियोटाइप तोड़े हैं नीति ने. जैसे पंजाबीज आर नेचुरली फनी. नीति सो मच इनटू फिटनेस. कल नीति को सेट पे कुछ नहीं मिला. नीति ने पवित्रा का लोअर लिप उठा के डेडलिफ्ट मारी है. ये होता है डेडिकेशन. नीति इज फिजिकली फिट. कुशा मेंटली फिट है. हाँ यार कुशा मेंटल हेल्थ के लिए इतना करती है ना. सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेती है ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे. कुशा का बहुत योगदान रहा है. कुशा की इंस्टाग्राम फीड देख के वर्ड इन्वेंट हुआ है शिट पोस्टिंग. उन्होंने सच में शिट की फोटो डाली थी. टैग किया था @abishmathew. अरे उनका हगते हुआ का फोटो था. स्टैंड अप कर रहे थे फोटो में वो. और कुशा को बोलते एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन दो. लड़की के आईब्रो देखे आपने. दो सुमुखी सुरेश लग जाए एक आईब्रो उठाने के लिए. अनरियलिस्टिक डिमांड्स. एंड सुमुखी आर द रियल फेमिनिस्ट. देयर प्रोनाउंस आर अस स्लैश आर. सुमुखी आर अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन. हैं हंसने लगे हुए हैं. तुमने किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट करा सुमुखी को. हर फेस इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस. सुमुखी ने बहुत क्रेडिबल काम करा है. पुष्पवली में सुमुखी ने काम करा जिसमें शी इज प्लेड अ स्टॉकर है ना. लड़के के पीछे भाग रही. पता नहीं इसको वेब सीरीज क्यों बुला रहे. व्लॉग क्यों नहीं बुला रहे. एंड कैन यू प्लीज ट्रिगर मत होना. ये जो आवाज आती है इसको लाफ्टर कहते हैं. नहीं सुना होता. कई बार एक बारी मैं कैनी के शो पे गई. मेरे सामने एक लड़की कैनी को देख के बेहोश हो गई. वो तो उसने फिर जब 4 मिनट बाद खराटे लेने शुरू करे मैं कहा चलो. क्योंकि यार जहां भगवान ने इतनी क्यूटनेस दे दी वहां सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं ना दे सकता. बैलेंस नहीं बने. जितना ज्यादा क्यूट उतना कम सेंस ऑफ ह्यूमर. अबीश इज द क्यूटेस्ट. एंड अपने जाकिर भाई जहां जाते हैं जगहें रोशन हो जाती हैं. लाइट जगानी पड़ती दिखते नहीं. बट आई लव हिज पोएट्री. कहीं भी इंस्पायर हो जाते हैं. कहते मुझे नीति ने एक दिन कंधे पे उठाया था तब मैंने लिखी थी मैं शून्य पे सवार हूं. मैं शून्य पे लेकिन जाकिर भाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा. उन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है. वो नातिक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. ये भी टैलेंटेड लोग हैं यार. आपने वो गाना सुना है जो भेजी थी दुआ श्रमिक लेके जाता है. हाँ यार. एंड रोहन ही इज इंस्पायर्ड मी सो मच. इनसे मैंने सीखा कि देखो फर्क नहीं पड़ता स्टेज पे चढ़ जाओ. जोक लिखा तो भी ठीक है नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता स्टेज पे चढ़ जाओ. आई वांट टू बी लाइक हिम. अगले जन्म मोहित चूतिया ही की जो. थैंक यू गाइस. दैट्स बीन माय टाइम. प्लीज वेलकम.